के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब इम्तियाज अली साहब के वो आए और हजूर का जिक्र सुनाएं। जनाब इम्तियाज अली साहब اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه يا يا رسول الله والسلام عليه حبیب اللہ وہ آئے ہماری چوکھٹ پر ہمارے معزز مہمانوں کی نظر کہ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر بہار جن کے قدموں کا طواف کرتی ہے فخر بدو کی جناب حاجی ناصر محمود بھٹ صاحب جناب اویس عبیت الرحمان بھٹ صاحب بدو کی تو فخر منڈیالہ وڑیت جناب چودھری نفیس میں انہوں نے ٹائم کڈیا تے تشریف لے کے آئے امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو اپنا تو منشور ہے جالب سارے جہان سے پیار کرو دعوت دینے جناب ارشد چشتی صاحب نو وہ تشریف لے کے ان اپنے خیالات دا اظہار پڑھنا کرن جناب ارشد چشتی صاحب ارے علاقے میں پی ٹی آئی کے بہت بہت جیالے ورکر تھے بابر خان صاحب وہ آج مسلم لیگ نون میں جائنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں جناب ہم چلو کلیپنگ کریں گے جی صاحب دور پر پلیز بابر خان صاحب کو انٹرنیشنل میں کتنا کریوں سے کچھ شدید کہتے ہیں میں لینڈر صاحب اپنے خان دے کے آ رہے ہیں خان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہماری محبتیں ان کے لیے بانیوں ورکروں میں سے تھے جہاں قدر نہ ہو وہاں نہیں کہا جا سکتا نون لیگ ایک ایسی آوازگاہ ہے ایک ایسی جولی ہے ایک ایسی مٹھاس ہے جہاں ورکر کی عزت کی جاتی ہے اور خان صاحب کا یہ جو بھرپور استقبال ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کیسے ورکر کو حشم دیت کہتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیری کریمی کے آسرے پر ہم غلاموں کی زندگی ہے عروج بخشا ہو جس کو تو نے اسے خیال زوال کیسا میں रामवाली की तरफ कि जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो महमूद मुशीर वे साहब का सबसे पहले ऐलान होता है टीवी के ऊपर सबसे पहले फतेह का ऐलान महमूद मुशीर वे साहब का होता है और हमारी नौजवान की आदत जनाब लाल साहब पिछला टेनोर हमारे साथ मुकम्मल कर चुके हैं पंजाब असम्बली के अंदर
लाल पहला साहब ने जिस तरह रावली की नुमाइंदगी की, यहाँ के जितने मसाइल को जिस तरह उजागर किया, मैं उन्हें दा देता हूँ और अपने रावली की तरफ से उन्हें प्रेरित तहसील पेश करता हूँ। आपके नाम के लिए उसका सही बात बनेगी। हैप्पी कीजिए सारे बोलो सामी। पाकिस्तान को इस वक्त एक पुरअमन माहौल चाहिए, तशद्दुद वाला माहौल नहीं चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, कलाशनकोव नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के जितने हमारे अदारे हैं उन सब की इज्जत चाहिए, उनकी बेतकीनी नहीं चाहिए। बोलो सामी। पिछले 4 साल से 18 के बाद 5.8 ग्रोथ रेट का पाकिस्तान का, अगर आपको समझ आ रही मेरी बात की तो गौर सुनिए। नॉन लीग ने 2018 में 6.8 ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे और अगले जब उनके हाथ में ये हुकूमत आई तो -0.5 पे चली गई। पाकिस्तान वो ग्रुप है जिसकी इज्जत पूरा दुनिया करता था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि हमारे वज़ीर आज़म को जहां से नीचे उतार दिया गया, जहां से नीचे उतार दिया गया, ये पाकिस्तान की बेतुकीनी थी। मौजूद सामीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो और आपके पाकिस्तान की इज्जत हो तो फिर ऐसी हुकूमत बनानी पड़ेगी जो आपके वर्कर की, आपके एक फर्द की, आपके पूरी कौम की फैजाबाद के अंदर धरना देकर उनको वापस करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान एक टेक ऑफ की पोजीशन पे आ चुका था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा क्लियर आया हमारे अंदर पाकिस्तान की तारीख में जिसने पाकिस्तान को रिवर्स बैक कर दिया। बस कम है, मैं मुख्तसर करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि खुदा करे अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले खुद जिसे अंदेशा जवाब ना हो। ये अंदेशा जवाब तब खत्म होगा जब आपका वोट एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जो आपके वोट का अमीर हो सकता है। जिल्लतें भी रब के पास है, वो जिसे चाहता है इस्तेमाल करता है, जिसे चाहता है जिल्लत करता है। अल्लाह ताला अकाबरीन के हमारे कायदीन के दिनों की जो हालत है उसको बेहतर जानता है। वो जिसे चाहेगा इस्तेमाल करेगा, जिसे चाहेगा जिल्लत ना करेगा, ये जमाना बराबर हो जाया करता है। इसलिए आपने मैंने ये कोशिश करनी है इस पूरे पाकिस्तान के एक एक जिले की हिफाजत करें, हम एक एक इसके फूल की एक एक तने की हिफाजत करें। तो मैं इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ हमारे कायदीन जो यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के लिए दिन दूसरी तरक्की के लिए दिन रात कोशिश करेंगे और पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। मेरे इस नारे के साथ आप नारे के जवाब दीजिएगा, ऐलान करेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान अपने ख्याल का इजहार करेंगे। जनाब बाबर खान साहब भरपूर तालियों के इस्तकबाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। नौज़ुबिल्लाह ये आयत किसी एक फर्ज से नहीं गुजरी है। अल्लाह पाक हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं हर मोमन मुसलमान के लिए, इसीलिए मैंने भी स्टार्ट किया का नाम दुआ या का नस्तईन से किया है। सबसे पहले विधक साहब के पास कोई टाइम शार्ट है, मैं आपसे ना पता होना चाहिए कि क्यों ज्वाइन किया मेरे पीछे। मैं सबको ये बताना चाह रहा हूं ना तो पीछे कोई पुलिस वाला खड़ा है तो ना कोई और चीज है, अपने माइंड से और अपनी मर्जी से मैं नो लीग को ज्वाइन करने जा रहा हूं। और उस पे काविश शेख सजाद साहब मेरी राइट साइड पे खड़े हैं और मियां जाज साहब पीछे हैं, मैं क्रेडिट इन दोनों को देता हूं। मुझे तो ना नो लीग के तारे साहब नजरिए का पता है ना मंशूर का पता है, सीधी बात है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट अगर आपको चाहिए 2 मिनट मैंने आपसे इजाफी लेने। पार्टी को स्टार्ट मैंने जब पीटीआई का मेंबर का कार्ड भी नहीं था,
तो मैंने इमरान खान साहब से माचिस की डिब्बी को फारग करके नीचे की रात के तो मैंने पीटीआई में ज्वाइनिंग की थी। पहला बंदा था मैं, राज अली शक्की गर्मी का बजाबता आपको बता रहा हूं। हुआ क्या, पार्टी को लेके चलता वन बाई वन पार्टी बनती गई, बहुत से टीम टॉपे भी आए। वो टीम टॉपे इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा उनके किरदार के, कि मैंने नो लीग में आने का फैसला क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए ना। चलो पार्टी बनती गई, मैंने वजीरिस्तान में गया, याताबाद वाला भी धरना, जितनी भी पार्टी में काश्तें थी कारवां बनता क्या चलता गया। फिर पार्टी पे क्लैश आते हैं, 8-9 महीने से वो चल भी रहे हैं। हुआ क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जिसको मुझे इतने 20 से 25 साल की मेहनत को खैर बात क्यों कहना पड़ा। बाखुदा अल्लाह पाक को हाजर नाजर जान के कह रहा हूं, आप सब लोग राव अली शक्की के बैठे हुए हैं कि मैंने कितनी कावश की, कितनी मेहनत की एक एक बंदे को। लेकिन मैं एंड पे जाता हूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मेरे घर पर क्या मेरे पास बहुत ज्यादा प्लाजे थे या मैं एनपीए का इलेक्शन रहा। 20 साल में मुझे काउंसलर की भी टिकट नहीं दी गई और इमरान खान साहब को मुझे ये शर्फ हासिल है कि 3 मरतबा राव अली में लेके आया। ये आप सामने देख रहे हैं, इधर बैठे हुए ये शाबर मेरे साथ आए हैं, ये राव अली शक्की गवाह है इस चीज। जो नुमाइंदे जिनके साथ काम करता रहा वो कहते हैं कि जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, उनको जुबान मिली तो हमें पे बरस पड़े। बात यह है कि जब एक रेट होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, मैं बात रहा हूं तो मेरे एक लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर लीडर तो एक दो होते ना, एक ये बैठे हैं दूसरे एमपीए पे, तो मैंने उनको फोन किया कि यार ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया ऐसा या क्या मामला है। तो मेरे उनका यार आप निकल जाओ, मैं कहा अच्छा निकल तो जाऊं, मेरे पास तो किराया भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका मेरे भी छोटे छोटे दो बच्चे हैं। नंबर वन नका जी भला हो, चलो नस नुस गया, 8 महीने नसते ही हो गए, कभी इधर तो कहीं इधर, चलो ससुराल वाल गया, उन्हें जनानी उधर रख ली तो बच्चे मेरे नाल आते। नहीं गल सचियां करनी चाहिए, मैं सचियां करना वाह होता जनानी ना कहा अल्लाह के सपोर्ट है बेटा, जो मेरा सामने मोनी सामने इधर आके आओ देख लेना चाहिए, ये मेरा बच्चा चौथी जमात में पढ़ता है, इसका कैरियर क्या, मेरा बेटा मैट्रिक के पेपर दे रहा था, अच्छे नंबर लिए, जब प्रैक्टिकल देने थे प्रैक्टिकल नहीं दे सका, मेरे बच्चे का भी कैरियर क्या। उधर अगर बच्चों को लेके कभी इधर कभी उधर कभी लाहौर कभी पिशोर, जब बच्चे मेरे इसी राह वाले में जो मेरे रिलेटिव रहते हैं उनके पास आए, मेरे बच्चों को इन्होंने भी नहीं रखा, इन्होंने भी निकाल दिया, मैंने दाबड़े उठाए मजदूरियां की, मेरा वो मैट्रिक वाला बच्चा ये सामने है ये देख रहे, ये मेरे साथ मजदूरी करके मैं अपना निजाम चलाता रहा। चलाने के बाद 8 माह बाद में फिर राव अली में नमूदार हुआ, मैंने नाम ले लेता हूं इमरान बेग साहब, मेरे हाथों से तराशा हुआ ये पत्थर, मैंने इसको एक जगह मिला के मानक शाह साहब के पास बैठा, देखो मेरे चलो बच्चे उन्होंने बीवी भी आ गई बच्चे भी आ गए, इस दौरान क्या क्या हुआ ये मुझे पता है, मुझे फारज का अटैक आया, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरे बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे यहां से भागने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, दलीलो खुआरा लेकर उसे रिक्वेस्ट की, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं 1 महीने से किसी के घर में बैठे हुए हैं, किसी को उनको कोई रोटी का टुकड़ा दो कम से कम घर में डाल दो, बच्चों को कोई नहीं पकड़ता। उसने कहा यार वो कहते हैं वो गाली बोलते, तो मैं कहा जरा 5 साल का नजरिया मैं लाके जा रहा, मैं उन्होंने खुदा को सही ना मारे तरीके साहब, अल्लाह की रात में कुरान ने फरमाया हकूक अल्लाह की माफी हो सकती है, हकूक वाले बाप की माफी नहीं। मैं उस नगरीय को लेकर इतना अरसा चलता रहा, आप मेरे बच्चों को एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दे सके, इस दौरानिये में मेरे बच्चों को तो पानी का घूर तक नहीं दे सका, मेरी जवान बच्ची लेके रात डेढ़ बजे तक जीती रोड पर फिरती रही। मैं इमरान खान को कहता हूँ आप हो
घर में भूखे होते हैं उसके लिए भी फंडरेजिंग का प्रोग्राम है। और आपको भी कहता हूँ कि वर्कर के लिए फंडरेजिंग का सिलसिला रखे, पार्टियों पर क्लैश आया करते हैं, मैंने भी क्लैश चले हैं, हर चीज ने किया 20 साल के 25 साल के दौरान ये बहुत कुछ देता है, लेकिन क्या आगे अल्लाह की जात एक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठा हुआ है जिसने पुराने पाक में कह दिया है कि कुगल्ला की माफी तो हो सकती है तो कुगले बाग की नहीं, तो कुगले बाग में क्या हो सकता है, ये आपकी औलाद आती है। लिहाजा मैंने अपनी औलाद को मेरे ख्याल में अल्लाह के रूबरू मैंने पेश होना है, वो चीज को रख के दूसरा इस भाई का छोड़ा है, इज्जत के लिए आया हूँ आपके साथ। और इस चीज पर गौर कीजिएगा कि वर्कर को इज्जत, अगर आपके सामने ये वर्कर ना हो आप एमएनए कैसे हो सकते हैं, इनको सबसे उठा दे, किससे खिताब करना है, किसने वोट डालना है, किसने डलवाना है, ये भी वकील कर रहा होगा, वर्कर का इसको ध्यान करना होगा। मियां जहां से बैठा है पूछो इससे कितनी कितनी पैसे होती थी। लेकिन मैं आखिर में ये कहता हूं कि पीटीआई वालों आपका अल्लाह ही आप, जैसे आपके वर्कर के इंसल्ट करोगे तो कभी पानी, मैंने इमरान के साथ, इमरान खान के साथ करके किया, आरफ अली के साथ किया, मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने आप सबको ज्वाइन करवाया था। लिहाजा ऐसे लीडर आ गए हैं, मैं एक गरीब आदमी हूं, शायद मेरी वहां जगह नहीं बनती, लिहाजा इनको रखते हैं। आपको पीटीआई मुबारक, आप बहुत अच्छे हैं। इस आखिर में विरक साहब, तारण साहब, दो बंदे हमेशा याद है, और बाखुदा देख ले मुझे किसी ने पकड़ा या आपसे किस चीज की रिक्वेस्ट की, हाँ ये मैं असल हकीकत बयान करने जा रहा हूं। मेरा तल्लक किसा है, मैं जेसीओ को बेटा हूं, 2IC का भतीजा हूं, मेरा बाप 65 और 73 की जंग का गाजी था, मेरा चाचा 65 और 73 की जंग का गाजी था, मेरा मामा 65 और 73 की जंग का गाजी था, मेरा दाया 65 और 73 की जंग का गाजी था। मैं गाजियों का बेटा हूं, मैं पाकिस्तान का दहशतगर्द नहीं हो सकता, मैं आपके दुख से जा रहा हूं, मेरी जगह नहीं है यहाँ, चीमे चट्टू की जगह बन गई है, वो करें। आपको तरीके इंसाफ मुबारक हो, आपको मैंने बना के रख दी, हमने तो दिल चला के सरे आम रख दिया, चाहे आप लेके चले लेकर दिए ऐसे नहीं चलेगी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे चाहे आपके कुछ भी हो ये मुझे इज्जत देने दे, इज्जत की तो कर रहा हूँ, देन लेकर मैं ये कह सकता हूँ इस किस्म के वर्कर बाप और उस्ताद, उस्ताद का दर्जा रूहानी बाप का होता है। तो यार मैंने ही आप बनाया, मुझे इन्होंने देखे एक चीज, एक मेरा इधर का ही शक्ति का ही वो भी चेयरमैन का कैंडिडेट आएगा, मेरे कहा यार मेरे को जाने के लिए वर्तमान इधर आया तो किराया तो दे दो, ओ खान साहब अभी नहीं है, खान साहब अभी नहीं है, पीटीआई के एक बंदे ने, पीटीआई के एक बंदे ने मेरे पूरे 8 महीने में 1000 रुपया दिया था मुझे, वो मेरा अमानत है उसकी, आपने तो नहीं दिया मुझे, कोई रोल लीग वाले ने दिया हो, चलो एक दोस्त है असद पीटीआई है, उसने खान साहब का सिगरेट पियो, बहरहाल उस बंदे ने किराया तक नहीं दिया, लेकिन एक पीटीआई के बंदे ने 1000 रुपया मुझे दिया है, उसका कर्ज है। और दो बंदे आखिर में मैं इनके दुख से जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये कुछ हुआ उनके ब्लॉक गुरु कारण साहब के पास, अगर कोई तो बंदा जाए या मेरे साहब के जनाब, मैंने मजबूरियत काटी, मैं नजरिए में डटा हूं, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं जनाब, वो कर दो यार, वो गल नहीं बोलते, इन्होंने नारे मारोगे, इन्होंने नारे बजेंगे फिर, लेकिन चलो खुदा बस, दो बंदे बड़े याद आओगे, एक जिन्होंने स्टार्ट किया इमरान खान, दूसरा मियां तारक, जिस बंदे के साथ मिलना, ये दो बंदे सिर्फ पीटीआई में याद आएंगे, बाकी कुछ नहीं याद आएगा। आखिर मैं आप सब से, शेख सजाद साहब आपसे, मियां साहब जरा ऊपर आए जरा, ये हैं ये जनाना, वैसे मियां साहब मेरा पक्का ही था शुरू से, हर बंदे को पता है, लेकिन ये उसी में लड़े आइए भाई, ठीक है, उम्मीद ये करता हूँ कि आप इज्जत देंगे, बाकी आप सबका, हमें मियां साहब ने एक और बात बता दूं, मियां साहब मेरा मीटर भी लगवाया है,
लथेया सी ना घर मेरा सी गाजा कंदे सी ते मियां साहब ने मियां तारक साहब कहंदा आई लव यू जी सारेयां नु पीटीआई वाले हो तुसी बहुत अच्छे हो अल्लाह पाक सब पाका हमियो ना सरो। बाकी मैं सबसे इजाजत चाहता हूं रब रखा पीटीआई रब रखा अल्लाह हाफिज। आप सब लोग यहाँ पे पंडाल में आए और हमें इज्जत बख्शी। टाइम बहुत कम है और मेहमानों को जल्दी भी ज्यादा है, इसलिए कि जैसे हमारा पंडाल सजे ऐसे कम अज कम 4 से 5 अभी पंडाल के पीछे बाकी इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं करूंगा, एक तो खान साहब की स्टोरी आप लोगों ने सुन ली, उसके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, एक फिक्रा कहूंगा, आपको लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। सियाने लोग कहते हैं कि चंगिया के लड़ लगे चंगा ही बंदा होंगे चंगा ही कमाता है, इस वास्ते उन्होंने उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीटीआई के दूसरे दोस्त या दूसरी जमातों के भी दोस्त इस चीज का फर्क जरूर महसूस करेंगे कि नून लीग जमात वर्करा इज्जत देती है तो देती आई है तो अगों भी देती रहेगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करना कि बाबा खान साहब जिस तरह वर्क करते रहे ने पहले मजीद जिस तरह अपने वर्क को जारी रखेंगे, असं उन्होंने दिल के नाल हमेशा वेलकम करवाएंगे और उन्होंने मशहूर भी रहेंगे। उन्होंने सानू इन्नी इज्जत बख्शी और साडे बिहाफ से उन्होंने नून लीग का ज्वाइनिंग करने का इरादा किया और ज्वाइनिंग की। इतने 3-4 दोस्त बैठे सन जिन्हें तकलीर करनी सी, लेकिन अभी मुंबे को टाइम थोड़ा, मैं अपनी भी टाइम इतने खत्म करना चाह रहा हाँ। शुक्रिया अदा करना कि मैं थोड़ा कर छड़िया। बिला तकलीर मैं बिलाल साहब को इजाजत देंगे कि प्लीज और कोशिश करेंगे वो भी मैं उम्मीद है कि 2 मिनट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई शेख सजाद साहब का और आप तमाम साथियों का बहुत मशहूर हूँ और जिन साथियों ने तकरीरें करनी थी उनसे भी माजरत चाहता हूँ। असल में जिस तरह आपको वेट करना पड़ा, आगे भी 2-3 फंक्शन में वेट हो रहा है, इलेक्शन का आखिरी हफ्ता है, फिर वो टाइम की मिसमैनेजमेंट कोताही हो जाती है। आज शेख इलियास साहब की कमी बहुत महसूस हो रही है, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा खिदमत खल्क करते थे, अपने इलाके और अपने इलाके के लोगों से प्यार करते थे और हर वक्त किसी न किसी कार्य खैर का हिस्सा रहते थे। अल्लाह उनको गरीके रहमत करे और शेख सजाद साहब में से भी कोई खुशबू आती है अपने इलाके के लोगों के लिए और अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के लिए। आपने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी हमेशा रावानी शर्की का साथ दिया है। अगर इस रावानी शर्की में कोई तरक्याती काम हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। वो त्रिगड़ी रोड की तामीर हो, वो लंबा वाली रोड की तामीर हो, जितने इधर गली नाली के जितने काम हुए सब मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए और पिछले 5 साल एक नालायक और नाअहल हुकूमत आप पे मुसल्लत की गई, उनसे इतना नहीं हुआ कि लंबा वाली भी नून लीग ने बनाई है, त्रिगड़ी भी बनाई है, तो इसके दरमियान मिला ले मुस्तफा रोड है वही हम बना के इसको कनेक्ट कर दें, वो भी अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आया, वो रोड आपकी कंप्लीट हुई है और किसी तरह जिस तरह यहाँ पे काम मुस्लिम लीग नून ने किए हैं पूरे पाकिस्तान में काम सिर्फ नवाज शरीफ ने किए हैं। मोटरवेज का जाल मियां नवाज शरीफ ने बिछाया, इधर आपके हलके में मेडिकल कॉलेज बनाया मियां नवाज शरीफ ने, उसी मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल बनाया मियां नवाज शरीफ ने और ये लोहियावाला का फ्लाईओवर। तो ये जो नाअहल हुकूमत कहती थी कि जी ये सड़कें और पुल बनाते हैं इनसे कौमें नहीं बनती, कौमी तालीमी इदारों से बनती हैं, तो कौन सा तालीमी इदारा आपने पिछले 5 साल में रावली में बनाया, कौन सा अस्पताल बनाया, कौन सी सड़क बनाई, आपसे एक गली नहीं बनाई गई। मेरे भाइयों दोस्तों, पिछले 5 साल इंतजार की सियासत हुई है जिसका नतीजा अभी आपने देखा है। ये नौजवानों के हाथों से लैपटॉप, जो मियां नवाजी लैपटॉप दे रहा था नौजवानों के हाथों में, इन्होंने डंडे सोटियां और पत्थर पकड़ाए कि अपने मुहाफिजों पर हमला करो, जिन्होंने जिंदगियों अपनी कुर्बान की पाकिस्तान के लिए, जानों का नजराना पेश किया, उनसे लड़ाने की कोशिश की। ये सियासत नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है, इस मुल्क दुश्मनी का जवाब आपने देना है और वो इस तरह ही दे सकते हैं कि हम 8 तारीख को इनको मुस्तरद करें, शेर पे मोड़ लगाएं, मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें
ताकि तरक्की का सफर फिर शुरू हो। रावाली में दोबारा तरक्की आए, पाकिस्तान में तरक्की आए। और 2016-17 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो पेट्रोल 65 रुपए का था, चीनी 55 रुपए की थी, आटा 35 रुपए का था। आज 150-150 में ना आटा मिलता ना चीनी मिलती है। लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी, सारे कारनामे मियां नवाज शरीफ के। और अल्लाह ने मौका दिया, अभी वफाक में हुकूमत थी, सूबे में नहीं थी हमारी। सूबे में हुकूमत आई तो सेहत और तालीम में भी काम होगा, क्योंकि ये दोनों महकमे सूबे के पास है। दोनों में आपकी खिदमत होगी, रावाली की खिदमत होगी। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पूरे इलाके में एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आए, एक बड़ा प्रोजेक्ट आए आपकी फलाह महबूब के लिए। वो अस्पताल हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, वो जिस भी शक्ल में हो, रावाली कंटोनमेंट और सर्की को मिला के एक ना एक मेगा प्रोजेक्ट जरूर यहाँ पे आए। हमारी कोशिश भी है, दुआ भी है। बाबर खान साहब को मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में खुश आमदीद कहता हूँ। और हम खुद वर्कर हैं, हम हैं ही वर्कर। 5 साल आपके दरमियान रहे हैं, आपकी खुशी गमी में शामिल रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया है। बड़े प्रेशर आए, बड़े पर्चे हुए, बड़े केस बने आप पे, हमारे पे, हमारे लीडरशिप पे। अल्लाह ताला ने आज मियां नवाज शरीफ को भी सुरखरू किया है, वो भी बेगुनाह साबित हुआ और आप भी सारे सुरखरू हुए। और उसको जेल में डालने वाले आज खुद जेलों में हैं, उनकी सियासत का खात्मा हो गया है। मनफी सियासत का यही अंजाम होता है, इंतशार का यही अंजाम होता है। हमने नूरी का साथ देना है तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए। हम इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी तो ये इलाका एक मिसाली इलाका बनेगा। मैं अपनी बात मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ, आपको चेहरे देख के दिल तो करता है सारी रात आपसे बात करें, लेकिन आगे और भी प्रोग्राम है। विप साहब ने किला दीदार सिंह भी पहुँचना है, तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह मेरे इस भाई को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, और इंशाल्लाह रावली शक्ति में अमन आए, खुशहाली आए, उसकी तरक्की हो। पाकिस्तान। आप बहुत जज्बाती मुझे नजर आए, मैं जज्बात से काम नहीं चलता, बड़े गौर से देखना पड़ता है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। मैं मुबारक देता हूं इसलिए कि आप एक गलत रास्ते को छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हक का साथ देने के लिए आए हैं। और इस पर भी मुबारक देता हूं कि अल्लाह ताला ने आप पर करम किया है कि आप जिस रास्ते पे थे वो मेरी अखलो दानिश के मुताबिक, मेरे मुताले के मुताबिक वो पाकिस्तान की सालमियत का रास्ता नहीं था। और उसका अजहार तो आपने 9 मई को देख लिया, पता चल गया ना क्या क्या उनके इरादे थे। लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी को बड़ा अंदोलनाक वाकया हुआ। मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन मन में नहीं हो गया, पता चल गया इरादे क्या है। वो मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान की अफवाज, उनके शहदा के खिलाफ आवाम के दिलों में नफरत पैदा करके पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहते थे। उनका इरादा था कि फौज में बगावत हो ताकि दुश्मन पाकिस्तान जो है, भाई आपने बातें करनी है तो इसको निकाल दिया जाए, जो बातें करता उसको निकाल दो, वो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहता था ताकि दुश्मन पाकिस्तान पाकिस्तान पर हावी हो, पाकिस्तान के टुकड़े कर दे। पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया और मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के इस दौर पर जिस शख्स ने पाकिस्तान की खिदमत करके पाकिस्तान को आगे लेके गया और हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके उसको सर झुकाने पर मजबूर कर दिया, जिसके मुल्क में जगह जगह पर ऐसे तरक्याती काम किए
बच्चों के हाथ में लैपटॉप दी, बच्चों सदाकत का साथ दिया, पाकिस्तान की अर्थसादियात को ऊपर लेके गया। मैं उसके साथ क्यों हूं, मैंने बड़े अच्छे से उसको देखा है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले खानदान का किस्सा चिराग है, नहायत मुखलस दीनदार आदमी है। मैंने देखा है कि उसमें सलाहियत है, मैं इसलिए उसके साथ हूं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन क्यादत देता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप भी पाकिस्तान के लिए फैसला करें कि पाकिस्तान में अच्छी हुकूमत लाएंगे जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता जानती है और सलाहियत भी रखती है। मैं उसके मुकाबले दीगर जमातों का जिक्र नहीं करना चाहता। और न्याय जो एक न्याय सियासत में आने वाला जिसमें बाबर सोबी मुतासर हुए, उसके बारे में मैं बहुत कुछ चाहता हूं, मैं बात नहीं करना चाहता। बहुत कुछ जानते हूं, वो किस लिए आया था, किसने उसको भेजा था, क्या उसके मकासद थे। अल्लाह ने पाक ने उसके सब से हम को बचा लिया है। तो मेरे अजीजो दोस्तों, मेरा एक ही बात है, आपके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया था, आज आपका फर्ज है कि पाकिस्तान के हवाले से अपना वोट का इस्तेमाल पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दें। आपका वोट मुझे बिलाल साहब को मिलेगा, हम इज्जत करेंगे, इत्राम करेंगे, लेकिन जानते हो कि जितने तरक्याती काम हुए हैं उस वक्त हुए हैं जब यह नवाज शरीफ था। आपके शहर में मैं क्या गिन के बताऊं, आपके जो कॉलेज हैं दो, मुझे पता है कि मैंने मिसाल दे बनाए गए, लड़कियों का कॉलेज और लड़कों का कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो मेरे जीजो, पाकिस्तान की जब ये हुकूमत आई है तो तरक्याती काम भी हुए हैं, और उस सिलसिले ने पौने चार साल में पूरे मुल्क में एक ईंट भी कहीं लगाई हो तो मुझे बता दे। हाँ, शादियां की हैं, तोहफे खाए हैं, और बैरी अकाउंट के मालिक से 180 मिलियन पाउंड लिए हैं। क्या मैं और बात नहीं करना, अखलाकी तौर पर मुझे शर्म आती है वो बातें करता हुआ, लेकिन आज आपने फैसला करना है। मेरी आपसे पुरजोर एक अपील है कि 8 तारीख को ये ना देखें कि ये महमूद मुशीर है या बिलाल फारूक ताहिर है, ये सोचें कि मेरा पाकिस्तान है, इसकी मजबूती के लिए मैंने किसको वोट देना है। आपका वोट हमें मिलेगा, आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन आपका वोट असल में मियां नवाज शरीफ को मिलेगा। आपका वोट मियां नवाज शरीफ को जाएगा, और हम असेंबली में जाकर उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे। और जब भी वज़ीर आज़म हुआ है उसने तरक्याती काम भी किए हैं, मुल्क की तरक्की को भी आगे लेके गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पाकिस्तान के लिए किनारा, पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया।